गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बिहार डीलिट का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन देंगे, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सर हमें कंप्यूटर तो चलाने आता नहीं है, नहीं हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, तो ऐसे में क्या हम ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? तो देखो गाइस, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए कोई भी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना जरूरी नहीं है। आज तक आपने कंप्यूटर जो है नहीं चलाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एग्जामिनेशन फीस भरा है। आप जब एग्जाम सेंटर पर जाओगे ना एग्जाम देने, उससे पहले ही बहुत सारे वहाँ पर हेल्पर होंगे जो आपको बता देंगे, ठीक ना। बस माउस और कर्सर का खेल है, बाकी फ़ोन का ही सिस्टम होता है। आपको ऑप्शन कर्सर को लेकर जाना होता है ऑप्शन पर, जो सही लगता है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक ना। तो बता देता हूँ मैं क्या क्या प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, आपको क्या करना है ना। देखिए, आपके पास ऑप्शन होंगे ऑनलाइन एग्जाम में, आप चाहो तो हिंदी के पहले कर सकते हो, मैथ के पहले कर सकते हो, इंग्लिश के पहले कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आपको उसको रिव्यू के लिए छोड़ देना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रिव्यू के लिए बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं और लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, फाइनल सबमिट अपने आप हो जाता है। अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो वो अपने आप हो जाएगा, तो ऐसे में उसके नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक ही बार कन्फर्म करना है, रिव्यू पर नहीं रखना है। जैसे लगता है कि हाँ इसका क्वेश्चन ये होगा तो कर देना है फाइनल और आगे बढ़ना है, ठीक। और फाइनल सबमिट पहले नहीं करना है, जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो फाइनल सबमिट का मतलब होता है आपके एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद ओपन नहीं होगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो ये गलती भूल से भी आप लोग मत करना, जैसे क्वेश्चन का आंसर करना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, और जब हो जाए जब करना फाइनल सबमिट, ठीक ना।